राखी साहब पिछले कुछ दिनों से मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पहले अपनी शादी को लेकर, उसके साथ ही उनकी माँ भी अस्पताल में काफी टाइम से एडमिट है। लेकिन इस बीच गुरुवार को उन पर एक नई मुसीबत आनी पड़ी और वो मुसीबत थी शर्लिन चोपड़ा के से। दरअसल बीते 9 नवंबर को शर्लिन चोपड़ा ने अम्बोली पुलिस स्टेशन में राखी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राखी उनके और बॉलीवुड के बीच जो जारी टकराव है उनमें बीच में कूद रही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि राखी पुलिस स्टेशन पहुंची, उन्होंने पुलिस को भी कोऑपरेट किया, जो भी सवाल जवाब उनसे पूछे गए पूरे सहयोग के साथ उन्होंने उसका उत्तर दिया। लेकिन उसके बाद राखी स्वैग में बाहर निकली, उन्होंने गंगूबाई स्टाइल में सर नीचे झुकाकर हाथ जोड़कर अभिवादन किया, मीडिया का अभिवादन किया। लेकिन इसके बाद राखी अपनी माँ से मिलने अस्पताल पहुँची, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उनकी माँ की हालत काफ़ी गंभीर है। और जिसके बाद राखी ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी भावुक है और उनकी माँ की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, साथ ही उनका बीपी भी लो हो गया था। इस बीच हम यही उम्मीद करेंगे राखी पिछले दिनों से जो मुसीबतें चली आ रही हैं उनसे बाहर निकले। इसके अलावा एक और चीज़ जो राखी से जुड़ी हुई जो चर्चा में अब आ रही है वो ये कि राखी जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही थी वो हिजाब पहने हुई थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, साथ ही राखी से सवाल भी कर रहे हैं क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया।